हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा पाराशर। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज मैं चैप्टर लेकर आई हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास टेंथ का। तो मैं आपको बता दूँ, इस बार आपका मल्टीपल चॉइस आने वाला है पेपर जो है आपका, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आएगा आपका टर्म फर्स्ट में। तो मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में जो जो आपके फॉर्मुलेज हैं, ट्रिक हैं, वो आपको सब बताऊँगी। एंड वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका ये चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और आपको दोबारा से चैप्टर करने के एक बार सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पर आप ये वाली वीडियो देखें और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मुलेज आपके क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। आपको फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं, उन्हीं फॉर्मूलोज के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको फॉर्मूलेज बता देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है सबसे फर्स्टली इसमें फॉर्मूला जो है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला है मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा। हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए होंगे, सपोज जैसे मुझको एक ये लाइन दी है, ठीक है, इन पे दो पॉइंट प्लॉट है। जैसे यहाँ पर ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पर पॉइंट है हमारा एक्स वन हो गया, ये पॉइंट मान लो, इसको एक्स वाई वन मान लो, इसको एक्स टू मान लो, इसको वाई टू मान लो। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है हमको क्या होगा, वो हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला आता है कि हमारा पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का कोई भी हमको पॉइंट दे रखा है, सपोज हमको यहाँ पर एक्स वाई कोई पॉइंट दे दिया है हमको और बोल दें कि फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन तो सबको ही पता होंगे क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर इसको एक्स वन माने, इसको वाई वन माने, इसको एक्स टू माने, इसको वाई टू माने, यहाँ से भी हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। या आप सीधा इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर लीजिए, अगर याद करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो तो, या फिर भूल जाए आप एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं। एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो माइनस के एक्स का, एक्स वन क्या होगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा y2 माइनस y1 क्या है हमारा y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जीरो का तो कुछ मतलब होगा ही नहीं, तो माइनस x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस के y का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो पावर्स अगर इवन हो तो वो माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, हो जाएगा हमारा प्लस के y स्क्वायर। तो ये वाली हमारी टर्म आ गई। ठीक है, तो ये किसका होता है, अगर कोई पॉइंट दिया हो फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है, एक आपकी कंडीशन आती है कि एक्स एक्सिस से क्या होगा, अगर हमको पॉइंट दिए होंगे तो एक्स एक्सिस पे उसके पॉइंट क्या होंगे। तो पॉइंट होंगे एक्स को एज इट इज लिखो, वाई वाली टर्म जीरो। ठीक है, अगर हमें वाई एक्सिस पर पूछे तो एक्स वाली टर्म जीरो, वाई वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला हमारा एक इसमें फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब पार्ट्स में डिवाइड फॉर्मूला। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ए पर हमको पॉइंट्स दें एक्स वन वाई वन, बी पर हमको पॉइंट दें एक्स टू वाई टू। सपोज यहाँ पर हमने क्या है, इसका पार्ट पोर्शन कर दिया अलग, और यहाँ पर हमारा एक्स वाई ये पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले में हम इसको मानेंगे एम वन, इसको मान लेते हैं हम एम टू। ठीक है, सेक्शन मतलब दो पार्ट्स में टूट गया हमारा, दो रेशो में। सॉरी, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस के एम टू। ठीक है, एक वाई के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस के एम टू। ठीक है, तो x के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा इसमें x आएगा हमारा, और y के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा इसमें हमारा y आएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर रेशो में कंडीशन दी गई होगी। ठीक है, इसे हमें दे दिया कि 3:2 पर बताना है, तो उसमें सीधा यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। हमको कोई कंडीशन दे दी, 3:2 दे दिया है, उसके पॉइंट्स डिफाइन करने हैं हमको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x और y हमको पॉइंट्स निकालना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3:2, यानी 3 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, उनके रेशो में बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला।
देखो किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब किसी भी चीज़ का आधा, बीच का हिस्सा है ना। तो बीच का हिस्सा आधा मतलब क्या हो गया, हाफ हो जाता है वो हमारा। तो इससे आप याद रख लीजिएगा कि मिड पॉइंट जो होगा उसका हाफ पोर्शन होगा। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इसको हम मानेंगे एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू, ठीक है। तो मिड पॉइंट हमें ये निकालना है, मिड पॉइंट बीच वाले पोर्शन क्या होंगे, तो आधा कर दीजिए उसका, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स वन प्लस के एक्स टू बाय टू, हाफ मार्क है, ठीक है। इसका ये ध्यान रखना, सेक्शन फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन मतलब सेक्शन पार्ट्स में टूट जाएगा, तो एम वन एम टू में टूट जाएगा वो हमारा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप याद कर ही लोगे इजीली, और एक्स एक्सिस वाला आप ध्यान रखना, एक्स और जीरो पर होगा, वाई एक्सिस जीरो और वाई पर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर वाई के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वाई वन वाई टू अपॉन टू। तो एक्स के लिए कंडीशन ये अप्लाई होगी और वाई के लिए क्या होगा, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है। हाँ, एक और कंडीशन आती है यहाँ पर कि हमसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द रेशो, अगर हमें कहा कि फाइंड द रेशो, ऐसी वाली कंडीशन दे, तो वहां पर हम क्या लेट कर लेंगे, के रेशो वन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी आगे, आपको एनसीईआरटी से सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसमें के रेशो वन मानेंगे और किस तरह से हम इसके रेशो फाइंड करेंगे, के की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा के रेशो वन में। तो यहाँ पर आपकी ये हैं, आप देख लीजिए आपके फॉर्मूले हैं पूरे इस चैप्टर के, जो क्वेश्चन में यूज़ होंगे हमारे। फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, फिर ओरिजन के लिए होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला बता दिया मैंने आपको, सेक्शन फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, एंड फाइंड द रेशियो वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी किस में होगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए आपका चैप्टर आ गया है 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम इसकी एक्सरसाइज खोलते हैं 7.1, 7.1 आपकी टर्म फर्स्ट में एक्सरसाइज आ रही है, और जो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी कि ये क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे, अपने आप बुक्स खोल लीजिए, क्योंकि मैं बुक्स के साथ साथ आपको सॉल्व करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है। तो मैं बता देती हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1, इसका मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमको दिए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हमको पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 1, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना, तो यहीं पर पहले इनको लेट कर लीजिए, एक्स वन ये होगा, वाई वन ये होगा, एक्स टू ये होगा, ये वाई टू होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को रख दीजिए, एक्स टू क्या है हमारे यहाँ पर 4, माइनस एक्स वन क्या है 2, प्लस वाई टू क्या हो गया हमारा 1, और वाई वन क्या हो गया, ठीक है, फोर में से 2 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 में से 3 जाएगा। तो देखो 1 में से 3 गया, जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लेस करते हैं तो कंडीशन क्या आएगी, माइनस की आएगी। छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो कंडीशन माइनस की आती है, ठीक है। जो साइन आएगा वो हमारा माइनस का आएगा, 2 2 4 प्लस ये क्या है, इवन, इवन में माइनस के साइन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 2, ये भी हो जाएगा हमारा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम एकदम से आएगी कि 2√2 मैम ने कैसे लिख दिया, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ सॉल्व करके, जैसे 2 4 2 2 एंड 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो ये जो हमारा पेयर है रूट के अंदर जो पेयर होते हैं बाहर आ जाते हैं जैसे ही आ गया, ठीक है, जो अकेला बचा रूट में एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उसका फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमको, माइनस के 5 7, माइनस के 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया,
पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। यहाँ देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होगा, x2 माइनस x1 कितना हो गया माइनस के 5। यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कि यही माइनस लगा रहने देते हैं, ठीक है। आपको साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले ये वाला माइनस लगाना है, फिर अगर यहाँ पर माइनस की डिजिट है तो उसको ब्रैकेट में करके लिखना है, ठीक है। स्क्वायर प्लस के वाई टू कितना हो गया 3, माइनस वाई वन कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर। माइनस के वन ये ऐसे लिखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। 5 ये कितना आ गया, सॉरी हो गया 5, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, ये आ गया इसका स्क्वायर। प्लस ये कितना हो गया 3, 3 में से 7 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ठीक है। एंड इसका स्क्वायर एज इट इज़ है, और ये प्लस माइनस के 4 का ऐसे, 4 4 जा प्लस माइनस, इवन पावर आ गई तो हट जाएंगे माइनस, 4 4 जा कितना आ गया हमारा 16 16 32, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, रूट 32। आगे चलते हैं, अगर आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आंसर यहीं पर अटक रहा हो तो यहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो इसको आप सॉल्व भी आगे करके दिखा सकते हैं। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये पेयर ये पेयर, ठीक है। तो पेयर बाहर आ गया, एक टू का पेयर, एक टू का पेयर, एक खाली टू बचा तो ये आ गया 2 2 4, रूट 2 इसका आंसर ये होगा हमारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, ए बी माइनस के ए माइनस के बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, ये वही वाली कंडीशन आ जाएगी, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ऊपर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 2a, क्योंकि दोनों माइनस किस लिए, साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएंगे b और b 2b, और यहाँ माइनस दोनों ही माइनस के तो साइन माइनस का स्क्वायर। अभी देखिए 2 2 जा 4, कॉन्स्टेंट की अगर पावर एज इट इज़ आ जाती है, कॉन्स्टेंट की पावर 2 हो 3 हो, वो एज इट इज़ के एज इट इज़ उतर जाती है हमारी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का है, पावर इवन है तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, a का स्क्वायर a ही रह गया हमारा। ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पर होगा 4b का स्क्वायर, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अगर आपका यहीं पर ही छूट रहा है तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक लाइन और इसकी सॉल्व होगी कि यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा हमारा थर्ड वाले पार्ट का, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, दिया है हमको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। ये दिया हमको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3615, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो आपको मैंने डिस्टेंस का पहले बता ही दिया है, और ये क्वेश्चन आप अपना आप कर सकते हैं, डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगेगा इसमें, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में नहीं आएंगे, आगे ये वाली लाइन नहीं आती, सिर्फ आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। क्योंकि इसमें सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है आपको, सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करके आपको वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पर आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 1 5 2 3 माइनस टू एंड माइनस 11 आर कोलीनियर, ठीक है। तो कोलीनियर की आपको कंडीशन यहाँ पर फाइंड करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये। क्वेश्चन नंबर आपका है एनसीईआरटी से, आपको क्वेश्चन नंबर है थर्ड, पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 5 एंड 2 3 एंड माइनस टू एंड माइनस के 11, ठीक है।
तो यहाँ पर इस पॉइंट का मान लेते हैं ए, इस पॉइंट का मान लेते हैं बी, इस पॉइंट का मान लेते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमको डिफाइन करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो आपको कोलिनियर की कंडीशन पता होनी चाहिए। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी दो का सम थर्ड वाले पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर डिस्टेंस वाली बात आती है, डिस्टेंस वाली कंडीशन आ जाती है, तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी और सी के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू होना चाहिए सी ए के, या फिर ए बी का डिस्टेंस सी ए का डिस्टेंस इक्वल टू होना चाहिए बी सी के डिस्टेंस के, ठीक है। या फिर बी सी का डिस्टेंस सी ए का डिस्टेंस इक्वल्स टू होना चाहिए ए बी के, ठीक है। ये वाली कंडीशन यहाँ पर लाई करनी चाहिए हमारी। अगर ये कंडीशन हमारी यहाँ पर ठीक आ रही है तो ये जो है कोलिनियर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ये कि कैसे होगा। तो अब हमको क्या करना है, पहले हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ले लीजिए पॉइंट ए और बी के, तो यहाँ पर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे हम। यहाँ पर मैं आपको इसमें एक कंडीशन बताती हूँ कि क्या अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पर हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए का पॉइंट क्या है 1 और 5, ठीक है। बी के पॉइंट क्या है 2 और 3। जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट्स को पहले रखेंगे, पहले रख लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, ए वाले पॉइंट थोड़े बाद में। तो ये इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, यानी इस वाले के तो पॉइंट्स को मानेंगे x1 y1, इन वाले पॉइंट्स को मानते हैं x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 y1 माइनस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, दो में से एक जाएगा तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए तो 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 ही रहेगा, प्लस के 2 से कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया हमारा रूट के 5, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसी बी सी में बी के पॉइंट क्या है 2 3 2 3, सी के पॉइंट क्या है माइनस के 2 माइनस के 11, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले पॉइंटों को x1 y1 मानना है, इनको x2 y2 मानना है। लगा दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला, क्या होगा हमारा x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x1 क्या है हमारा माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 कितना है 11 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 माइनस माइनस प्लस के 2, इसका कितना आ गया होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस के 11 का होल स्क्वायर, 2 2 4 प्लस 11 और 3 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का क्या होता है 4 4 16, 14 का देख लीजिए क्या होगा, 14 का स्क्वायर वैसे सबको याद ही होगा 196 इसका स्क्वायर होता है, नहीं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 196 और 16 कितना होगा, प्लस करके 6 6 6 6 6 12 का 2 1 9 1 10 1 11 और 1 2 1 2 2 1 2, ठीक है। ऐसी बी सी हो गया, ऐसे हमको कर लेंगे सी ए कर लेंगे, ठीक है। तो सी के पॉइंट्स क्या है माइनस के 2 माइनस के 11 और ए के पॉइंट्स क्या है 1 और 5, ठीक है। मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले पॉइंट्स को x1 y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, कर दीजिए यहाँ अप्लाई। x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना माइनस के 11 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो कितना जाए माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस से कितना जाए माइनस के 16 का होल स्क्वायर। तो माइनस के 3 भाई यहाँ पावर क्या इवन में, तो क्या हो जाएगा 3 3 से क्या बन जाएगा हमारा 9, और 16 तो सबको पता ही है 256 होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। कुछ स्क्वायर्स आपको याद रखना है, जो एकदम से आप कर लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई में थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी मैं MCQ में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, इन क्वेश्चंस में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको देखने में लगते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो कर लीजिएगा कितना होगा 256 और 9, कितना होगा 5162, 265।
अगर हम इन दोनों को ऐड करते ना तो ये बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ना ये बन रहा हमारा, तो तीनों ही कंडीशन बिल्कुल अलग है। ये रूट फाइव आ रहा है, ये रूट टू वन टू आ रहा है, जो 265 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी लाई नहीं हो रही कोई सी भी। तो ए बी प्लस के अगर हम बी सी को करते हैं तो इज नॉट इक्वल टू आ रहा है हमारा सी ए, तो दिस इज नॉट अ कोलिनियर, ये कंडीशन कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व करके देख लीजिए, लेकिन ना एमसीक्यू है इस बार तुम्हारा, तो नहीं आ सकता इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको हो सकता है ऐसे कंडीशंस आपसे पूछ लें, ये कंडीशन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन इसकी होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर, चेक करना है हमको, एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, हमको बताना है कि क्या ये आइसोसेलस ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है, इसके हमें पॉइंट्स दे दिए, तो इसमें आइसोसेलस ट्राइंगल, सबसे पहले अपना ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक। ये देखिए मैंने पहले क्या बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया है, एंड यहाँ पर जो है ट्राइंगल में दिए हुए हैं हमको पॉइंट्स, ट्राइंगल के पॉइंट्स है 5 माइनस के 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी पॉइंट दिया हुआ है हमको 6, 4, एंड सी पॉइंट हमको दिया हुआ है माइनस के 2, सॉरी 7 और -2, 7 और -2, 6 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ए और बी के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ए और बी, अब ए के पॉइंट्स लिख लीजिए 5 होगा, -2 होगा, एंड बी के पॉइंट्स क्या होंगे, 6 होंगे और 4 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हमने, मैंने बताया था आपको, x1 इसको मानेंगे, y1 सेकंड वाले को मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, इसको हम मानेंगे y2, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर x2 माइनस के x1, x2 कितना है 5, माइनस के x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना होगा माइनस के 2, माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस के 1 का होल स्क्वायर, प्लस कितना माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ये 1 ही होगा हमारा, और ये कितना बन जाएगा 6 6 36, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा रूट के 37, ये वैल्यू कितना है हमारे रूट के 37, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी सी को, बी सी के पॉइंट लिख लीजिए 6 एंड 4, एंड सी होगा हमारा 7 माइनस के 2, ठीक है। ये होगा हमारा, इसको मानेंगे x1, y1, इसको मानेंगे हम x2, इसको मानेंगे हम y2, ठीक है। लगाइए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा हमारा x2 माइनस के x1, x2 यहाँ पर क्या है हमारा 6, माइनस के x1 कितना होगा 7, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, एंड यहाँ पर 6 में 7 जाएगा, माइनस के 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस माइनस, प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। ये भी हमारा कितना आ जाएगा रूट के 37। देखो हमारे यहाँ पर दो कंडीशन आ चुकी है, तो ये क्या हमारा यहाँ पर आइसोसेलस बन ही रहा है, लेकिन फिर भी हमको थर्ड कंडीशन एक बार देखनी है, क्या पता इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सी ए, सी ए के पॉइंट्स 7 माइनस के 2, ए कितना है 5 माइनस के 2, ठीक है। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, और ये हमारा क्या होगा y2 होगा, निकाल दीजिए x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x1 कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा माइनस के 2, प्लस के y1 का होल स्क्वायर, 7 में से 5 के 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस के 2 माइनस प्लस माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 4, प्लस के माइनस माइनस, प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 4 का 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 और 4 कितना आ गया 20, ठीक है। सॉरी यहाँ पर इसका ये माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 0, तो ये बचेगा हमारा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये बचेगा हमारा 4 रूट में, और ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है।
ये हमारे बैठेगा कंडीशन, तो ये हमारी आ रही है टू। तो यहाँ पर दो लाइन, दो जो है हमारी लाइन इक्वल आ चुकी हैं, तो ये किसकी कंडीशन होती है, हमारी आइसोसेलस ट्राइंगल की कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। ये दो लाइन इक्वल आ गए, इसका मतलब दो क्या होंगे हमारे, लाइन इक्वल आने पर आइसोसेलस ट्राइंगल होगा हमारा, ठीक है। तो येस दिस इज अ आइसोसेलस ट्राइंगल, दिस इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। फिफ्थ क्वेश्चन है आपको, फिफ्थ क्वेश्चन एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन भी आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना है आपको। सेवन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया भी है ये क्वेश्चन कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, तो मैंने आपको एक्स एक्सिस वाली पहले कंडीशन बता चुकी हूँ। सेवन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमको पॉइंट फाइंड करने हैं विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर है हमारा ये पॉइंट, तो हमको दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है हमको क्या, टू और माइनस के फाइव, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है हमको माइनस के टू और नाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पॉइंट जो है हमको फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो है इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट है हमारा और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो यहाँ पर हमको x एक्सिस दिया, x एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था क्या होते हैं पॉइंट्स, x और ज़ीरो। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, x और ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको q मान लेते हैं, a q मान लो, p मान लो, a मान लो, c मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया हमारा b। तो यहाँ पर हमको क्या निकालने, इन दोनों के फाइंड द पॉइंट्स, ये हमको पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं कंडीशन क्यू ए, ठीक है। तो क्या होगा क्यू ए हमारा, क्यू के पॉइंट्स क्या है हमारे, एक्स ज़ीरो और ए के पॉइंट्स क्या है, टू माइनस के फाइव, एक्स वन एक्स टू वाई टू, वही वाली कंडीशन चलेगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वन क्या होगा, एक्स टू माइनस के एक्स वन, एक्स टू माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको एज इट इज रहने दीजिए, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या निकालना है, हमको क्यू भी निकालना है, ये अभी यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्यू बी की कंडीशन लिख दीजिए, वही क्या होगा, क्यू हमारा एक्स होगा, ये जीरो होगा, बी क्या होगा माइनस के टू होगा और हमारा नाइन होगा, वही मान लीजिए एक्स वन ये होगा, वाई वन ये होगा हमारा, एक्स टू होगा, ये हमारा वाई टू होगा, ठीक है। एक्स टू माइनस के एक्स वन, एक्स टू क्या होगा हमारे यहाँ पर एक्स माइनस के, एक्स वन क्या होगा हमारा माइनस के टू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के टू का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना दिया हुआ है हमको 9, इसका कितना हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 9 का स्क्वायर 81 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी किया नहीं तो, ठीक है। तो हमारा कहाँ पर आ रहा था, हमको क्या दी हुई है कंडीशन जो है ये इक्वल डिस्टेंस पर हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है हमारा कि क्यू ए इज इक्वल्स टू हमारा क्यू बी के। तो क्यू ए की कंडीशन हमारी क्या आ रही है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 5 से 25 कर लीजिए, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25 और हमारा क्यू बी क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 81, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 81 और यहाँ पर हमारा ये प्लस चलेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ भी हमारा प्लस चलेगा ये, ठीक है। तो इक्वल टू के इधर उधर क्या होता है, हमारे जो ये रूट होते हैं या तो कैंसिल आउट कर दिए या बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग कर दिए तब भी हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के 25 इक्वल्स टू x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस के 81, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, स्क्वायर खोल लेगा, ए स्क्वायर ए किसका हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू टू से कितना हो जाएगा 4, ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab, 2 ए क्या है x और b क्या है 2, 2 टू जो 4 यानी 4x प्लस के हमारे कितना आ जाए 25 इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ खोल लीजिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab,
टू टू एक्स यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर प्लस के फोर है, प्लस के फोर से प्लस का फोर कैंसिल, माइनस के फोर एक्स प्लस के 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस के फोर एक्स प्लस के 81। सेम साइन वाले इक्वल्स टू के इधर उधर कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे ये वाला नहीं काटा दीदी ने, फोर एक्स यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस के है फोर एक्स, इसलिए हम यहाँ पर नहीं काट सकते इसको, ठीक है। तो माइनस के फोर एक्स हो गया इधर, ये प्लस का फोर एक्स इधर उठ के कितना आ गया, माइनस के फोर एक्स आ गया 81, इधर उठ के कितना आ गया, माइनस के आ गया हमारा 25, ठीक है। 81 में से 25 जाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 6, और ये आएगा हमारा 5, ठीक है। और ये बैठेगा माइनस माइनस प्लस, माइनस के फोर और फोर 8x, ठीक है। 8 से काट सकते हैं हम इसको 7 जा, ठीक है। तो ये माइनस उठ के यहाँ पहुँच गया माइनस के, तो कितना आ गया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, ठीक है। तो हमको क्या x एक्सिस पर क्या पॉइंट्स थे हमारे, x और 0 था ना हमारा, तो क्या हो गए हमारे पॉइंट्स, माइनस के 7 और 0, ये हमारे हो गए पॉइंट्स इसके, ठीक है। देखिए आपका हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P दिया हुआ है हमको 2-3 एंड Q दिया हुआ है हमको 10 और y इज 10 यूनिट्स। हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y की, ठीक है। और जिनके बीच का डिस्टेंस पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं और उनका डिस्टेंस जो कितना होगा 10 यूनिट दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, हम हमको पॉइंट दिया हुआ है P, 2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, एंड हमको Q पॉइंट दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और y दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस और हमको यूनिट दी हुई है 10 यूनिट डिस्टेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर लगाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या होगा 10, माइनस x1 क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा, y माइनस y1 कितना होगा हमारा 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा यहाँ पर, 10 यूनिट्स हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का जो रूट है यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग, या फिर बोथ साइडिंग स्क्वायर कर दीजिए, बात वही पड़ेगी। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है, इसके स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है हमारा, ठीक। कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। 8 से कितना हो जाएगा 64, ये प्लस का इधर जाकर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 64, ठीक है। ये ऐसे चलेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ खोल लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 जो 9, 3 जो 6 मत कर देना, बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ऐसे इसकी पावर को 3 जो 6 कर देते हैं। ये होगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 यानी 3 × 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू ए क्या है हमारा वाई और बी क्या है हमारा 3, और ये हमारा कितना बच जाएगा 36, ठीक है। या फिर आप इसको सीधा यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ये और इजी बैठ जाएगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये वाला, कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 36, एंड 36 इसका स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस में 6 बन जाएगा, यानी y प्लस 3 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के 6 आ गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार प्लस से हमारी वैल्यू देखो, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक बार हम प्लस के 6 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 6 की वैल्यू लेंगे एक बार हम, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू इधर का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो क्या बचेगा हमारा 3। तो एक बार y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, एक बार हम माइनस के 6 लेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 6, तो माइनस के 6 इधर आके माइनस के 3 हो जाएगा माइनस के 9, तो एक बार y की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 9, एक बार y की वैल्यू 3 आ रही है, एक बार y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 9 आ रही है, ठीक है। देख लीजिए आप अपना ये वाला एक बार क्वेश्चन, ठीक है। रूट का ध्यान रखना, रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाता है, एंड इसमें हमको 9 चैप्टर दिया हुआ है। इफ q दिया हुआ है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम q पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस से है, p से और r से इक्वल डिस्टेंस पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, हमको क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा ये, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, ठीक है। ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, तो इसमें हमको ये पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, ये पी हो गया हमारा एंड ये हमारा आर हो गया, तो क्यू जो है हमारा वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या दी हमको, 5 माइनस के 3, क्यू हमको दिया हुआ है 0 1, आर हमको दिया हुआ है एक्स और 6, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जो Q है वो इक्वल डिस्टेंस से है दोनों पर, ठीक है। ये कंडीशन आपकी पहले भी लाई हुई थी, तो ये वाली आपको कंडीशन में क्या करना है, QP जो होगा वो इज इक्वल टू होगा QR के, क्योंकि क्या है ये इक्वल डिस्टेंस पर है हमारा, ठीक है। या फिर PQ इक्वल टू QR कर लो, बात वही है, ये दोनों हमारे इक्वल डिस्टेंस पर है, PQ इक्वल टू QR कर लो, PQ इक्वल टू ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको PQ रखेंगे हम, तो यहाँ पर Q के पॉइंट्स पहले रख लीजिए अपने, P के पॉइंट 5 होगा, माइनस के 3 होगा और Q के पॉइंट्स क्या होंगे, 0 होगा 1 होगा, ये हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, मानेंगे x2 मानेंगे हम y2, ठीक है। एंड यहाँ पर Q के पॉइंट 0 1 होंगे और R के पॉइंट क्या होंगे, x होगा 6 होगा, ऐसे ही x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला रखिए और यहाँ पर इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला रखिए, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, माइनस के 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बचेगा, 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, ठीक है। ये आएगा माइनस के 4 और पावर कितनी 2 है, तो 4 जो हो जाएगा 16 और माइनस जो हमारा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा हमारा x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस के इवन पावर है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कितना बचेगा हमारा 5 और माइनस के 5 आएगा, पावर इवन है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 हो जाएगा हमारा 25, ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक है। तो 16 बचा हमारा x स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ जाकर क्या बन गया हमारा रूट, तो 16 किसका होता है 4 का, प्लस माइनस के 4, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि हमको क्यू आ, अब यहां पर ना वैल्यू रख लीजिए x की, क्या आ रही है प्लस माइनस के 4 आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे r के, प्लस माइनस 4 और 6, प्लस माइनस 4 और 6, हाँ ठीक है 6 है, तो एक बार तो हम रखेंगे 4, 6 और एक बार रखेंगे माइनस के 4 और 6, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है और पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर, आर का पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो क्यू आर भी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर पी आर निकाल सकते हैं, आर के हमें पॉइंट्स दे दीजिए, तो हम पी आर भी यहाँ से क्या कर लेंगे, डिस्टेंस से निकाल लेंगे फॉर्मूला फाइंड करके, ठीक है। फॉर्मूला निकाल, फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ के हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए, इस आगे क्वेश्चन मैं आपको इतना बता दिया है इसका पार्ट, एंड आगे से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, मैंने आपको ट्रिक बताई दी है वो कैसे आपको पॉइंट्स इसके मानने, x1 क्या मानेंगे और x2 क्या मानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस 3 और 6 और माइनस के 3 एंड 4। रिलेशन निकालना है हमको एक्स और वाई में, जो कि इक्वल डिस्टेंस है किससे, 3, 6 और माइनस 3 और 4 से, ठीक है। तो हमको इसके बारे में निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, वही पहले वाली कंडीशन पुट कर दीजिएगा इसमें, जो मैंने आपको पहले बताई है वैसी आपकी इसमें कंडीशन जो है लग जाएगी, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाती हूँ, बिल्कुल 9 की तरह ही क्वेश्चन होगा ये। तो यहाँ पर वैसे रिलेशंस वाले जो होते हैं वो एमसीक्यू में कम ही आते हैं क्वेश्चंस आपके, फिर भी लेकिन कर लेते हैं हमें क्वेश्चन अपना, ठीक है। ये हमको ए दिया हुआ है 3 और 6 और बी हमको पार्ट दिया हुआ माइनस के 3 और 4, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर है हमारा पॉइंट, क्या है हमारे एक्स और
वाई, ये हम यहाँ पर क्यू मान लें, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, क्यू ए बराबर हमको क्यू बी जो है हमको दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो क्यू ए, क्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स वाई, और ए क्या है हमारा थ्री और सिक्स, बी फिर से एक्स वाई, बी कितना दिया हुआ माइनस के थ्री और फोर, ये वाई हमारा, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स टू माइनस के एक्स वन, अभी यहाँ पर इसको एक्स वन मानो, इसको वाई वन, इसको एक्स टू माइनस को वाई टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो एक्स टू माइनस के एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या होगा हमारा माइनस के वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन कितना होगा का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना होगा वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट यहीं पर आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ फॉर्मूला ये हमारा बन गया है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y प्लस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के फोर का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अभी खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस थ्री से नाइन बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स एक्स प्लस के ए स्क्वायर प्लस सिक्स से थर्टी सिक्स बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू, सिक्स टू जो ट्वेल्व वाई, यहाँ पर फिर ए स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जो नाइन बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू, थ्री जो सिक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी कितना फोर हो जाए सिक्सटीन माइनस टू ए बी फोर टू जो एट वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नाइन से हमारा नाइन कैंसिल आउट हो गया हमारा, यहाँ पर वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस के सिक्स एक्स प्लस के थर्टी सिक्स प्लस के ट्वेल्व वाई, एंड यहाँ पर क्या बचा हमारा सिक्स एक्स प्लस के सिक्सटीन माइनस के एट वाई, ठीक है, माइनस के एट वाई। तो एक्स एक्स वाले एक्स और वाई वाले एक साथ कर लेते हैं, विदाउट एक्स वाई वाले एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा थर्टी सिक्स, तो यहाँ पर है ही हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस के सिक्सटीन, एंड ये सिक्स एक्स हमारा यहाँ पर है, ये माइनस के इधर आके प्लस के सिक्स एक्स हो जाएगा, एंड ये ट्वेल्व वाई प्लस का इधर आके माइनस के ट्वेल्व वाई हो जाएगा, और ये माइनस का है ही इधर, सॉरी ये तो हमारा माइनस का है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का आ जाएगा, एंड ये हमारा माइनस का इधर आकर हमारा हो जाएगा प्लस का, और हो जाएगा हमारा एट वाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ट्वेंटी इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स, सिक्स एक्स कितना हो गया ट्वेल्व एक्स हो गया, और ये कितना हो गया बारह, ट्वेल्व में से एट जाएंगे तो फोर वाई बचेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या को मना रहा है, फोर को मना रहा है हमारा, फोर थ्री थ्री एक्स प्लस के वाई, और ये हमारा ट्वेंटी आ गया फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, तो हमारा क्या क्या थ्री एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू फाइव, ये हमारा क्या इसके बीच में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अगर एम सी क्यू में यहाँ तक मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिल सकती है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ यहाँ तक है हमारा, एंड देख लीजिए आप एक बार, अगर ऐसे इक्वल डिस्टेंस वाली कंडीशन दे दे तो आप इसको क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, पॉइंट्स रख देंगे और इनको इनका निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझसे भी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी अभी, कि मैंने प्लस की जगह गलती से मेरा माइनस हो गया था, तो इस तरह से आपकी फिर आंसर में गड़बड़ आ सकती है, तो देख लीजिएगा आप इस तरह से करिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सॉरी एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 7.2 भी मैं आपको पूरी सॉल्व करके दिखाती हूँ एनसीईआरटी से, एंड आपका इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बता दिखाती हूँ आपको। तो 7.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ माइनस सेवन माइनस वन सेवन एंड फोर माइनस थ्री इन द रेशियो टू रेशियो थ्री। तो रेशियो वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आप रेशियो वाली कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए अपना क्वेश्चंस को करते हैं। आ गए आपके एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी से पेज नंबर 166, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ।
इसमें रेशियो दिए हुए हैं और पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ए पॉइंट इसको मान लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है, माइनस के 1, 7, एंड जो हमको बी पॉइंट है वो दिया हुआ है 4, -3, और जो रेशियो दिए हुए हैं हमको 2:3 दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमको एम वन दिया हुआ 2 दिया हुआ है, और एम टू जो दिया हुआ 3 दिया हुआ है। ये हो गया हमारा एक्स वन, ये हो गया हमारा वाई वन, ये हो गया एक्स टू, और ये हो गया हमारा वाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के लिए फॉर्मूला रखिएगा क्या होता है, एम वन एक्स टू प्लस के एम टू एक्स वन अपोन एम वन प्लस के एम टू। रखिए यहाँ पर एम वन 2 हो गया, एक्स टू कितना हो गया हमारा 4, प्लस के एम टू एक्स वन अपोन एम वन प्लस एम टू, एम वन कितना हो गया 2 प्लस के 3। वाई के लिए एम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस के 3 अपॉन 2 और 3 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5 1, ठीक है। चलिए आगे, एम वन वाई टू प्लस के एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस के एम टू, ठीक है। यहाँ पर एम वन कितना हो गया 2, वाई टू कितना हो गया माइनस के 3, प्लस के एम टू कितना हो गया हमारा यहाँ पर 3, एम वन और यहाँ वाई वन कितना हो गया 7 अपॉन, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस के 3, 3 2 6 माइनस के प्लस 7 3 21 अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 5 5 3 जा। तो हमारे रेशियो क्या आएंगे, 1:, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट बताने, तो 1 3, ठीक है, ये इसका आंसर होगा 1 और 3। आगे चलता है सेकंड में, क्या दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बोला है उसने जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो ट्राइसेक्शन में, लाइन सेगमेंट जो है उसके ट्राइसेक्शन पार्ट है, तो हमको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन के लिए उसके पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। जैसे हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, और ये दिया हुआ है हमको बी। ए पॉइंट हमको दिया हुआ है 4 -1 और -2 -3, 4 -1 एंड बी हमको दिया हुआ है -2 और -3, ठीक है। तो हमको ट्राई सेक्शन में तोड़ना है, तो 3 पार्ट कर लीजिए, 1 2 और 3, हो गए 3 पार्ट इसके। तो ट्राई सेक्शन भाई देखो, अगर किसी भी लाइन के 3 पार्ट होंगे तो कैसे रेशियो में टूटेगी, या तो 1:2 टूटेगी या 2:1 होंगे उसके, ठीक है। तो अगर हम 1:2 की बात करें तो एक बार 1 और ये आ जाएगा 2, अगर हम 2:1 की बात करें 2:1 की, तो हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और इनको हम मान लीजिए, इसको हमने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, और इसको हमने y2 मान लिया, इसको mn कुछ भी पॉइंट्स मान सकते हो इनको, ठीक है। तो एक बार हम 1 और 2 लेकर चलते हैं, एंड सेकंड में 2:1 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको छुपा देते हैं, अब सिर्फ हम क्या लेंगे 4 -1 -2 -3 और x1 y1 के अकॉर्डिंग, और इसके रेशियो क्या होंगे हमारे, अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट लिया है, हमने ये ये और ये, तो यहाँ तक हमारी क्या आ रही है 1, है ना। तो m1 क्या होगा हमारा 1, मैं आपको एक छोटी सी बना के बता देती हूँ, यहाँ तक कि हमने लिया तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 4 -1 और ये -2 -3, ठीक है। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो रख दीजिए यहाँ पर x1 के लिए क्या होगा, m1 m1 ये हो जाएगा हमारा x1, y1 ये हो जाएगा हमारा x2, y2, m1 x2 प्लस m2 कितना होगा 2, m2 x1, x1 कितना हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 1 प्लस के 3, कितना हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 4, 2 8 अपॉन 3 1 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और 1 यहाँ आ जाएगा 2 हमारा, 2 और 1 हमारा होएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 3 3 2 जा, ठीक है। तो एक तो आ गया हमारा यहाँ पर 2, अब चलते हैं y1 के अकॉर्डिंग, तो y1 क्या होगा, m1 y2 प्लस के m2 और y1 होगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के 2, ठीक है। तो ये माइनस के 3 एंड माइनस के हो जाएगा हमारा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस के 5/3, तो जो हमारे पॉइंट्स हैं x1 और y1 क्या आ जाएंगे हमारे 2
एंड माइनस के 5/3, ठीक है। ये हमारे इसके पॉइंट्स आ जाएंगे 2 और माइनस के 5/3, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी आ गई x1 और y1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो, अब यहाँ पर जैसे ये लाइन है, हमको ए पॉइंट्स दिया हुआ है, ए पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, माइनस 1 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है माइनस के 2 दिया हुआ है, माइनस के 3 दिया हुआ है, ठीक है। इस बार हमने 1:2 लिया था, इस बार हम क्या ले लेंगे, 2:1। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1, और यहाँ के लिए 2:1 के लिए x2 y2 माना था हमने, ठीक है। तो रख देंगे x2 क्या हो जाएगा, m1 कितना है 2, m1 x2, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, इसको लेंगे x2 y2, और ये हो जाएगा हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 x2 कितना है 2 प्लस के m2 x1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 प्लस के 1, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 माइनस के प्लस के 4 अपॉन 2 प्लस 1 3, तो कैंसिल आउट होगा तो 0, पूरे 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो 0 ही होता है, ठीक है। y2 की मानेंगे हम, तो m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन 2 प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 माइनस के 6 और ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा माइनस के 7 अपॉन 3। तो x2 और y2 के जो पॉइंट्स है वो कितना आ गए हमारे, जीरो और माइनस के 7/3, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स आ गए, x2 y2 के पॉइंट्स ये आ गए, और x1 y1 के पॉइंट्स कितना आ गए, 2 और माइनस के 5/3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक आंसर निकल गया है सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपका इस बार मल्टीपल चॉइस आएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ये क्वेश्चन ना करें। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। ये डिवाइड हो रही है किस पर, -1 पर और 6 पर, ठीक है। तो हमको रेशियो फाइंड करना है, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब रेशियो फाइंड करने वाली कंडीशन है तो क्या मानेंगे हम, के रेशियो 1 मानेंगे हम, ठीक है। तो हमको फोर्थ क्वेश्चन जो है, मैं आपको एक बार बना कर बता देती हूँ तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। पॉइंट्स हमको क्या दिए हुए हैं, हमको -3 एंड 10 और 6 और -8, -3 एंड 10 एंड 6 और -8, ठीक है। तो डिवाइड किस पर हो रहा है, ये -1 और 6 पर, यहाँ से पॉइंट हमारा जो है डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय -1 6, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x और y, इसको मानेंगे हम x1 y1, इसको मानेंगे हम x2 y2, एंड यहाँ पर हमको क्या है रेशियो फाइंड करना है, तो k रेशियो 1 में इसको मानेंगे, ठीक है। तो k और 1, ये हो जाएगा इस बार हमारा m1 और ये हो जाएगा हमारा इस बार m2, ठीक है। तो यहाँ पर x के लिए रखते हैं हमारा अपना फॉर्मूला, क्या हो जाएगा m1, ठीक है, m1 x2 प्लस के m2, x1 कितना होगा हमारा माइनस के 3 अपॉन m1 प्लस के m2। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है हमारी, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x क्या है माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 6k एंड माइनस के 3 अपॉन k प्लस के 1, ठीक है। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो है हमारा k इधर जाकर माइनस का है, तो इधर आके ये माइनस के 1 की मल्टीप्लाई, तो माइनस के और प्लस माइनस के 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 6k माइनस के 3, ठीक है। k वाले एक साथ लिए, तो 6k उधर है इधर ले जाकर माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएगा, और 3 माइनस का धराकर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 1 है इधर आकर प्लस के 3 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 7k माइनस प्लस माइनस से कितना बन जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो k की वैल्यू एक आ गई हमारी 2 अपॉन के 7, ठीक है। k की हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी, तो हमारी k की वैल्यू आ गई 2/7, ये हमारा इसका हो गया आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, हमको रेशियो फाइंड करने, वही आप x इसमें k वाली कंडीशन लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है।
और इसमें एक्स एक्सिस दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर भी ये हमको दिया हुआ है और रेशियो विद द लाइन सेगमेंट, हमको ए दिया हुआ है 1 और माइनस के 5 दिया हुआ है, एंड बी दिया हुआ है हमको माइनस के 4 और 5 हमको बी दिया हुआ है, और इसमें क्या हुआ एक्स एक्सिस पूछा। मैंने आपको पहले ही बताया था जो एक्स एक्सिस हो तो पॉइंट्स क्या मानेंगे, एक्स और जीरो मानेंगे। इसमें बोला है फाइंड द रेशियो, तो क्या मानेंगे इसमें, के रेशियो 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एम वन, ये हो जाएगा हमारा एम टू। ठीक है, रख लीजिए, हो जाएगा हमारा एक्स वन, ये हो जाएगा हमारा एक्स टू, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा वाई वन, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा हमारा वाई टू। ठीक है, तो रखिए यहाँ पर एक्स के अकॉर्डिंग, अगर हम एक्स के अकॉर्डिंग रखेंगे तो देखो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, एक्स में ही आएगी। मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन के प्लस के वन। देखो यहाँ पर x भी आ गई, k भी आ गई, तो k की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी, इसलिए वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक लेंगे, ये हो गया x और ये हो गया हमारा y, तो हम जीरो वाली कंडीशन लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2, ये इधर जाके पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 5k माइनस के 5 इक्वल्स टू जीरो, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का सॉरी माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। ठीक है, तो के का आंसर कितना आया हमारा, 1। इस तरह से वाला क्वेश्चन होगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आर द पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम इन द टेकन ऑर्डर, फाइंड द एक्स एंड वाई। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा पैरेललोग्राम बनाने के लिए, इसमें आपको पैरेललोग्राम बनाना है फिर उसके सारे पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं, तो एक मत करिएगा आप, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इतना लेंदी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन पर आपको दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हूज सेंटर इज। ठीक है, हाँ सेवन्थ क्वेश्चन जो है आपका, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी क्वेश्चन है, या जैसे हमको एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है हमको, हमारी ये डायमीटर है, ये ए हो गई, ये बी हो गई। ठीक है, तो हमको ए के पॉइंट फाइंड करने हैं इसके। ठीक है, तो हू सेंटर इज 2 और माइनस 3, सेंटर दिया हुआ है 2 और माइनस 3, और बी क्या दिया हुआ है हमको, 1 और 4। ठीक है, बी हमको दिया हुआ है 1 और 4, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको x और y मान लेते हैं। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई मान लेंगे इसको, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या मानेंगे, एक्स वन मान लो, इसको वाई वन मान लो, इसको मान लो एक्स टू मान लो, इसको वाई टू मान लो, और इसको मान लो एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टू इज इक्वल्स टू एक्स वन, क्या हो गया हमारा एक्स ही है, प्लस एक्स टू कितना है हमारा, वन अपॉन टू, टू टू ज़ा फोर, एक्स प्लस के वन, प्लस इधर जाके माइनस में, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी थ्री। तो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, थ्री। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर रख देंगे किसकी, वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर रखिए वाई इज इक्वल्स क्या, वाई वन प्लस के वाई टू, वाई क्या दिया हुआ है, वाई वन प्लस के वाई टू अपॉन टू, वाई क्या दिया हमको, माइनस के थ्री इक्वल्स टू, वाई वन क्या दिया हुआ, वाई प्लस के वाई टू कितना दिया हुआ है, फोर अपॉन के टू, टू थ्री जा सिक्स, तो माइनस के सिक्स इक्वल्स टू वाई प्लस के फोर, फोर इधर प्लस का जाकर माइनस का, इसके फिर इक्वल्स टू आ जाएगा वाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो जाएगा माइनस के टेन इज इक्वल्स टू हमारा आ गया वाई। ठीक है, देन वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के टेन, एंड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। तो ए जो हमारे पॉइंट्स, ए के जो पॉइंट्स होंगे हमारे क्या होंगे, थ्री और माइनस के 10। ठीक है, आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि माइनस 10 और 3, तो आप यहाँ पर गड़बड़ नहीं करिएगा, x वाली कंडीशन पहले ही लिखी जाएगी और y वाली कंडीशन बाद में ही लिखी जाएगी, जो पॉइंट्स होते हैं इसी तरह से आपके लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर माइनस टू माइनस टू टू माइनस फोर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी 3 अपॉन 7 ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8th क्वेश्चन, ए एंड बी, आपको ए और बी जो है हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं एक लाइन बना लेती हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए पॉइंट हमको दिया हुआ है माइनस के टू
माइनस के टू एंड बी दिया हुआ है हमको टू माइनस के फोर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट पी होगा इस लाइन पर, उसके हमें फाइंड करना है। तो पहले हमको ए पी की पहले हमको यही सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी। तो ए पी, ए बी किस में है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, थ्री बाय सेवन ए पी अपॉन, ये कोई पॉइंट हो गया। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए पी प्लस पी बी, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो सेवन ए पी इज इक्वल्स टू थ्री ए पी प्लस के थ्री पी बी, यहाँ ए पी है, इधर ले आओ ए पी वाले, तो थ्री में से सेवन जाए कितना बचेगा, फोर थ्री पी बी। तो ए पी पी बी नीचे ले आओ, इसको सो थ्री बाय फोर, यानी ए पी जो है थ्री है और ये हमारा फोर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे हम, एम वन मान लेंगे, इसको मान लेंगे एम टू, और पी के जो है हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स और वाई। तो ये क्वेश्चन तो आप आगे अपना आप ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है एनसीईआरटी में आपको किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, लेंथी क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। उनके मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी कि आप किस तरह से अपने सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आपके के वाले जो आ जाएंगे क्वेश्चन मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, के वाले और एम वाले, रेशियो वाले क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। एंड देन आगे जो आपकी ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो पूरी कट हो चुकी है आपकी। 7.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है एंड 7.4 ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो लग सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, इसमें जो लेंथी क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं आप। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको आगे इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी, कुछ भी अब मैं आगे जो वीडियोस बनाऊँगी इसमें आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊँगी विद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ एंड आगे मैं आपके लिए और चैप्टर्स के, ट्रायंगल चैप्टर्स के मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ब्रीफ में आपको ट्रायंगल बताऊँगी, फिर मैं आपको उसकी पीडीएफ भी दूँगी एंड मैं आपको उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। Thanks for watching my video.